एक माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू तब आते हैं जब उनके संतान कुछ बड़ा करे, खासकर उस वक्त जब आर्थिक रूप से माँ बाप कमजोर हो और उन्होंने बच्चों को शिक्षा दिलाने में कभी भी आर्थिक मजबूरी को बीच में ना लाते हुए उच्च शिक्षा दिलाई हो और उसका परिणाम भी बच्चे अपने माँ बाप को सपने को पूरा करके देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं CBSE मैट्रिक परीक्षा में 97% अंक लाने वाले उज्जवल कुमार की। SN मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल के टॉपर छात्र उज्जवल कुमार को सम्मानित करने के लिए जब मंच पर बुलाया गया तो उसके साथ माँ बाप की आंखें खुशी से भर आई और उन्होंने मंच से कुछ ना कहते हुए भी अपने भावनाओं के तहत बहुत कुछ कह दिया। वहीं SN मेमोरियल स्कूल के डायरेक्टर स्मिता सिंह एवं प्रबंधक जन्मेजय सिंह ने टॉपर छात्र उज्जवल कुमार को 12वीं तक की पढ़ाई का सारा खर्च विद्यालय द्वारा वहन करने की बात कही, जिसने छात्र उज्जवल कुमार के हौसलों को और ऊंची उड़ान देने का कार्य किया और विद्यालय प्रबंधन के प्रति छात्र उज्जवल व उसके माता पिता ने विद्यालय के प्रति आभार भी जताया। आपने शायद अपने बेटे से कभी एक्सपेक्ट किया था कि ये 97% ही लेकर आएंगे। मैं बहुत गरीब परिवार का हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर बच्चे में हुनर हो तो वो करके दिखाएगा। और मैं उज्जवल के लिए 11th 12th के लिए आज हमारे सामने नजर आ रही है, ये बच्चा जो इतना अच्छा नंबर लाया, इस दिस क्रेडिट गोज टू टीचर्स, इस मेहनत जो इसने बच्चे ने किया वो सही में आप लोगों का दिया हुआ है। ये आप लोगों के ही सहयोग से आज ये बच्चा इतना अच्छा नंबर ला रहा है, हमारे जिले का नाम रोशन कर रहा है। और हमारा ये सभी बच्चों से यही इच्छा है कि सभी बच्चे अपने पूरे लगन से पढ़े और अपनी माँ का नाम रोशन करें, अपने बाप का भी नाम रोशन करें। लेकिन माएं आगे आती हैं, क्योंकि माँ मदर्स डे है तो माँ का नाम लेना भी जरूरी है। लेकिन माँ का त्याग, माँ का प्यार, माँ का जो सहयोग मिलता है वो सभी बच्चे अच्छी तरह समझते हैं। माँ जो है बच्चों के बिना कहे ही सभी बातें समझ जाती हैं, बच्चों का सारा जरूरत पूरा करती हैं और अपने सुख का ध्यान भी रखती हैं। इसलिए माँ एक ईश्वर के समान ही है, माँ हमारी गुरु भी है, तो उनको सम्मान देना आज के दिन हमारा भी कर्तव्य है। और सभी माएं हम लोग बहुत ही गौरवान्वित हैं कि हमारे सामने भी एक ऐसा बच्चा है जो इतना अच्छा नंबर लाया, अपनी माँ का नाम रोशन कर रहा है, अपने घर का नाम रोशन कर रहा है। ऐसे चिराग हर घर में पैदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे बच्चे हैं यहाँ के। और मदर्स डे पर SN मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल न्यू करमंटोला आरा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर कुमार जितेंद्र एवं डॉक्टर वीना सिंह, विद्यालय की डायरेक्टर स्मिता सिंह एवं प्रबंधक जन्मेजय सिंह, प्राचार्य राजीव सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान स्कूल में मदर्स डे पर उपस्थित माताओं को सम्मानित किया गया। माताओं के लिए पीले रंग की साड़ी ड्रेस कोड निर्धारित की गई थी। उन्होंने केक काटकर मदर्स डे मनाया। इस दौरान मदर्स डे पर दोहरी खुशी विद्यालय प्रबंधन द्वारा मनाई गई। इस अवसर पर प्रबंधिका स्मिता सिंह ने कहा कि CBSE मैट्रिक परीक्षा में 97% अंक लाने वाले उज्जवल कुमार का 12वीं तक की पढ़ाई का सारा खर्च विद्यालय वहन करेगा और 90% से ऊपर अंक लाने वाली अंजलि कुमारी, अर्पणा ओझा, आदर्श ओझा, मोहित राज, शशांक उपमन्यु, सीनू सिन्हा, तौकीर अहमद, प्रीति सिंह, ग्रेशी राय, सृष्टि सिंह को सम्मानित किया गया। वहीं उन्हें बेहतर शिक्षा देने वाले शिक्षक विपुल पाठक, संतोष कुमार, शशि भारद्वाज, जितेंद्र पाठक को भी पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सोनी सिंह, सीमा कुमारी, संतोष कुमार आनंद, धीरज कुमार, सोनी मिश्रा व शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। उनके लिए भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपके विद्यालय के बच्चे ने 97% जो मार्क्स लाया है उसको भी आपने अपने स्तर से बहुत कुछ किया है। क्या कहना चाहिएगा पहले मदर्स डे के बारे में? सबसे पहले स्मिता सिंह का प्रणाम। मैं डायरेक्टर SN मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल। मदर्स डे एक ऐसा इम्पोर्टेंट डे, ऐसे तो मैं कहूंगी कि माँ का कोई दिन नहीं होता, माँ का तो 365 दिन होता है। लेकिन हाँ, कुछ खास आज के दिन है जो बच्चों को अपने प्यार को एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाता है। यहाँ आई हुई सारी मदर को मैं हैप्पी मदर्स डे विश करती हूँ और मैं कामना करती हूँ कि उनका भी सपना पूरा हो, जो अपने वो बच्चों के मेहनत कर रही हैं वो सक्सेसफुल हो।
जहाँ तक रही बात 12th और 10th रिजल्ट की, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि ये ऐसा डे होता है जो प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स, टीचर्स, इवन पेरेंट्स का भी जो होता है वो एक लगता है कि जो पूरे साल हम लोगों ने मेहनत किया उसका रिजल्ट बच्चे देते हैं। और मैं उज्जवल के बारे में क्या कहूँ, अगर इस बच्चे ने सारे सब्जेक्ट में 97-98 लाया है, बस एक सब्जेक्ट में इसका 88 आ गया है, जिस कारण से परसेंटेज आई थिंक थोड़ा इसका डाउन हो गया, 97 हो गया, अदरवाइज मुझे लगता है ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहता। और बहुत ही साधारण फैमिली से बिलोंग करता है, मुझे याद है वो दिन जब इसके मम्मी पापा आते थे और फी के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन हिम्मत ना उन लोगों ने हारा, ना स्कूल ने उनका साथ दिया, और मुझे आज मौका मिला है कि मैं कुछ उस बच्चे के लिए करूं। ये मेरा सौभाग्य है, ये मैंने कोई एहसान नहीं किया है। अगर ऐसा समय आते रहे और भगवान मुझे सब कुछ दे, तो मैं जरूर ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने में सहयोग करूंगी। आज हमारे सामने नजर आ रहे हैं ये बच्चा जो इतना अच्छा नंबर लाया, दिस क्रेडिट गोज टू टीचर्स, मेहनत जो इसने बच्चे ने किया वो सही में आप लोगों का दिया हुआ है। ये आप लोगों के ही सहयोग से आज ये बच्चा इतना अच्छा नंबर ला रहा है, हमारे जिले का नाम रोशन कर रहा है। और हमारा ये सभी बच्चों से यही इच्छा है कि सभी बच्चे अपने पूरे लगन से पढ़े और अपनी माँ का नाम रोशन करे, अपने बाप का भी नाम रोशन करे, लेकिन माए आगे आती है, क्योंकि माँ मदर्स डे है तो माँ का नाम लेना भी जरूरी है। लेकिन माँ का त्याग, माँ का प्यार, माँ का जो सहयोग मिलता है वो सभी बच्चे अच्छी तरह समझते हैं। माँ जो है बच्चों के बिना कहे ही सभी बातें समझ जाती हैं, बच्चों का सारा जरूरत पूरा करती है और अपने सुख का ध्यान भी रखती है। इसलिए माँ एक ईश्वर के समान ही है, माँ हमारी गुरु भी है, तो उनको सम्मान देना आज के दिन हमारा भी कर्तव्य है। और सभी माएं हम लोग बहुत ही गौरवान्वित है कि हमारे सामने भी एक ऐसा बच्चा है जो इतना अच्छा नंबर लाया, अपनी माँ का नाम रोशन कर रहा है, अपने घर का नाम रोशन कर रहा है, ऐसे चिराग हर घर में पैदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे बच्चे हैं यहाँ के। और मदर्स डे के अवसर पे इंटरनेशनल मेमोरियल स्कूल की डायरेक्टर स्मिता सिंह जी, प्रिंसिपल साहब जन विजय सिंह जी, विजयमाला सिंह जी और आज की चीफ गेस्ट डॉक्टर वीना सिंह जी, सबसे पहले तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है सर, जितनी भी माँ बैठी हुई हैं और आज प्राउड है आपके लिए, उससे भी बड़ी खुशी की बात है कि अभी अभी जस्ट ये पता ये बच्चा जो 97% लाया है, रियली ये मेरे दिमाग और मेरे सोच के बाहर की चीज़ है। तो इसके लिए सबसे वो थैंक्स के लिए इस बच्चे को तो है, मैं आश्चर्य कर रहा हूँ, तब से जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनके माता पिता कौन है, क्या करते हैं, कैसी शिक्षा दी है, कैसे पढ़ने को कहा है और ये कैसा स्कूल है और कैसे यहाँ के डायरेक्टर और प्रिंसिपल है जो इतना नंबर ला करके हमारे जिले का मान सम्मान रोशन किया है। आज मैं ये चाहूँगा कि मुझे पता नहीं है और इस मन से मैं सार्वजनिक रूप से कुछ अभी फिलहाल घोषणा नहीं कर सकता हूँ, मगर इस स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं या यहाँ के डायरेक्टर हैं, वैसे बार बार इनको डायरेक्टर डायरेक्टर बोल रहा हूँ, मगर रिश्ते में मेरी ये बेटी लगती है, तो इसका जो भी आदेश होगा वो मैं मानूँगा और ये अनाउंस करने की बात नहीं है। मैं चाहूँगा कि जरूर मैं इस बच्चे के लिए अगर कुछ कर सकूँ तो ये शायद मेरा सौभाग्य होगा, इसका नहीं मेरा सौभाग्य होगा। जितने हमारे जो प्रेस बंधु सारे लोग जो हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, किन किन का नाम में सभी काफ़ी क्लोज है, आप लोग तो समाचार पत्रों में हर तरह के बहुत सारे न्यूज निकालते रहते हैं, पॉजिटिव निगेटिव बहुत सारे निकालते हैं, निगेटिव को ज़्यादा लोग ध्यान से सुनते और पढ़ते हैं, पूरा ध्यान भी देते हैं, मगर आप लोगों से भी एक गुजारिश है कि आप बताइए कि ये कौन सा बच्चा है, इसके माँ बाप कौन है, ये कौन से स्कूल है, इस स्कूल के कौन से लोग हैं, कैसी तालीम दी, इस चीज़ को आप लोगों के माध्यम से ये मैसेज जरूर जाना चाहिए। आज मदर्स डे है, मेरे बोलने का मौका ज़्यादा नहीं है, वैसे भी मैं चीफ गेस्ट नंबर 2 हूँ तो ये मेरा हक तो है नहीं, इतना ही होता है कि तेरे अगले में मेरा क्या काम है, फिर भी मैं जब यहाँ आ गई हूँ और मेरी बेटी का आदेश था
तो मुझे आना पड़ा था। आपने सुना होगा गुरुकुल, लेकिन अब देखने को कहाँ मिलता है। परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहाँ पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहाँ पर संस्कार और अनुशासन कूट कूट कर भरे हुए हैं। आरा में मझुआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन बच्चों के अंदर कूट कूट कर भरे जाते हैं, जहाँ पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, पीटी, ETC बच्चों को सिखाए जाते हैं, जहां पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय मझौवा।